हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर। आजकल बहुत बड़ा इशू आ रहा है मेरे पास, ये हमेशा से ही होता है, पर अभी जो आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो रहा है मार्केट में, तो इससे सावधान करने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। अगर कोई खुद ही गड्ढे में गिरना चाह रहा है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, आप बिल्कुल गिर सकते हैं, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना ज़रूरी है। उसके बाद अपना ड्यू डिलीजेंस करके आप कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोगों का जो क्लैरिटी देने का है वो हमें देनी चाहिए। और मेनली मेरे सब्सक्राइबर, तो ये बिल्कुल मत करना, आपने जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, आपको 1% ट्रस्ट बना हुआ मेरे ऊपर। तो सबसे पहला इशू आज क्या है, ये MQ कोटा जो है ना, ये क्लैरिटी किसी को भी नहीं है MQ कोटे की। और किसी को क्लैरिटी है तो जान के नहीं समझना चाह रहा, क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं। पैसे कहीं पे नहीं बचते हैं, रियल स्टेट में कभी पैसा नहीं बचेगा, आप ये याद रखना अपना। जो कम के चक्कर में पड़ेगा वो हमेशा जाएगा ही जाएगा। मेरे पास बहुत कॉल आ रहे हैं सर, रॉयल ग्रीन हमको फिगर नहीं दूंगा, इतने रुपए में मिल रहा है, जो बिल्डर का रेट है उससे आधे रेट में मिल रहा है, आधे से भी कम में मिल रहा है। सोलिटेयर भी सर 1,00,000 रुपए में कंफर्म अलॉटमेंट है, इतने में कंफर्म अलॉटमेंट है। कुछ भी कंफर्म अलॉटमेंट जैसा सीन नहीं होता किसी भी बिल्डर के साथ, चाहे तो पहले MQ यूनिट होती है या तो ड्रॉ के बाद MQ यूनिट होगी, ड्रॉ के बाद भी MQ यूनिट नहीं होती, पहले ही सोल्ड होगी होती है। तो आप इस वहम में मत रहिएगा कि किसी का एप्लीकेशन अभी ऑनलाइन चल रही है और कोई आपका जुगाड़ से MQ कोटे में आपका फ्लैट निकलवा देगा, कोई भी भैया जुगाड़ नहीं होता। ये बिल्कुल क्लियर रेड वर्ड्स में लिख लीजिए, कोई भी जुगाड़ कहीं पे नहीं चलता है। MQ कोटा क्या होता है? MQ कोटा वो होता है, उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो कि बिल्डर द्वारा दिया जाता है, वो आपको हार्ड कॉपी भरवाता है MQ कोटे की, उस वो भी फ्लैट ड्रॉ में ही MQ कोटे के निकलते हैं, ठीक है, वो होता है MQ कोटा। उसमें डायरेक्ट बिल्डर के पास पैसा जाता है, डायरेक्ट बिल्डर के ऑफिस में पैसा जाता है। MQ कोटे का अलग से फॉर्म होता है, जो इसमें से एक भी चीज़ नहीं हुई तो वो MQ कोटा नहीं है। आपको कोई जर्नल में एप्लीकेशन भरवा के जुगाड़ से निकलवा रहा है, किसी की औकात नहीं है क्या कोई जर्नल में एप्लीकेशन निकलवा सके। अगर वर्ड किसी को हट किया औकात तो वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी इन चीज़ों में ना पड़े। अगर आपने कहीं 50,000 रुपये भी दिए तो भी ये पैसा खराब ही जाने वाला है। क्या होता है, लोग खेलते हैं वॉल्यूम में, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, कई मेरे भाई हैं, ठीक है, आप करिए वीडियो रेस्पेक्ट, बिल्कुल करिए, आपका हक कमानेगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ वॉल्यूम में कैसे खेला जाता है। एज सपोज आपने लगाई, आपके पास क्लाइंट ज़्यादा, आपने 50 एप्लीकेशंस किसी की लगाई, 50 के आपने 1,00,000 रुपये सपोज करो, वैसे ही मैं फिगर नहीं दे सकता, कोई 1,00,000 रुपये आपने पकड़ लिए, वहाँ का रेट ज़्यादा है, ठीक है, रेट आपको पता है MQ कोटे का क्या होता है, MQ कोटे का ज़्यादा रेट है, 1,00,000 रुपये आपने ले लिए, 20 में से आपको पता है प्रोबेबिलिटी 3 out of 1 निकलना है, ठीक है। अब 20 में से आपकी निकल गई 6 एप्लीकेशन, तो उसके 6,00,000 रुपये आ गए और हो गए पैसे वापस कर दिए, कई केसेस में तो पैसे भी वापस नहीं हो रहे, पैसे वापस हो गए, उसके 6,00,000 रुपये उसके जेब में चले गए, मैंने आपका फ्लैट निकलवा दिया और बाकी बचे रह गए। तो भाई ऐसा काम बिल्कुल भी मत करो आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी मत करना, और मेरे को मैसेज मत करो क्या सर मेरे को ये इतने में मिल रही है यूनिट, 1,00,000 में मिल रही है, 50,000 में मिल रही है, 2 में मिल रही है, मिल रही है तो मैं मना करता हूँ स्पष्ट रूप से। क्या कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं होता है, MQ कोटा की तरह ही बिकता है, मैं वैसे ही दिला सकता हूँ, मेरा कोई जुगाड़ नहीं है किसी कंपनी में और किसी का भी नहीं है, सब लोग लीगल जो है उसके तरीके से चलो। आपको मैथमेटिक्स मैंने समझा ही दिया है क्या किस हिसाब से होता है इसका, बाकी अपना ड्यू डिलीजेंस करके ही काम कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी इन चक्रों में ना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें बिना मत जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, काइंड एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।